हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है। ज्ञान हिंदी टिप्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। 2 दिन पहले शिबा कॉइन का WazirX पे लॉन्चिंग के दौरान बहुत से लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया था, तो क्या उन लोगों को उनके पैसे रिटर्न मिल पाएंगे? आज इस वीडियो में हम जानेंगे लॉन्चिंग के दौरान जिन लोगों का लॉस हुआ था उनका लॉस किस तरह से रिकवर हो सकता है। सारी डिटेल अभी हम इसी वीडियो में आगे चल के देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लैपटॉप स्क्रीन पे मैंने निश्चल शेट्टी का ट्विटर हैंडल अकाउंट ओपन किया है, जो कि WazirX के सीईओ है। शिबा कॉइन के लिस्टिंग के दौरान जिन भी लोगों का लॉस हुआ था उस लॉस को देखते हुए निश्चल शेट्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया है, WazirX इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। शिबा टोकन प्राइस आर डिसाइडेड बाय कस्टमर बेस्ड ऑन बाय एंड सेल। इनका कहने का मतलब है शिबा टोकन का जो प्राइस यहाँ पर डिसाइड होता है वो कस्टमर के बाइंग और सेलिंग के हिसाब से इसमें फ्लक्चुएट होता है। कस्टमर अगर बाय करेगा तो वैल्यू बढ़ता है, कस्टमर अगर किसी भी टोकन को सेल करता है तो उस टोकन का वैल्यू जो है वो गिर जाता है। बट वी अंडरस्टैंड कंसर्न ऑफ अवर यूजर। हम समझ सकते हैं कि यूजर को यहाँ पर कितना लॉस हुआ है, कितना परेशानी हुआ है। हमारी टीम इस पे इंटरनली काम कर रही है और हमसे जो भी पॉसिबल हो पाएगा हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे और बहुत ही जल्द हम इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे। इन्होंने यहाँ पर इस तरह से ट्वीट किया है। उसके 3 घंटे बाद निश्चल शेट्टी ने दोबारा से एक ट्वीट किया। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, डोंट जंप टू कंक्लूजन, वी आर ऑलरेडी अनाउंस्ड, वी विल बी वर्किंग ऑन ए सॉल्यूशन, हैव पेशेंस। इन्होंने कहा है जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, आप धैर्य रखिए। इसके बाद इनका एक और ट्वीट आता है, वो ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने यहाँ पर लिखा है, प्लीज अंडरस्टैंड हाउ एक्सचेंज वर्क। आप समझिए कि एक्सचेंज किस तरह से काम करता है। WazirX किसी को भी कोई भी टोकन या कॉइन सेल नहीं करता है। अगर इस प्रॉब्लम के लिए आप WazirX को ब्लेम करना चाहते हैं तो ये गलत है। WazirX एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जैसे लोग बाय और सेल करते हैं टोकन। हमने पहले ही कह दिया है कि हम इस प्रॉब्लम पे वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत ही जल्द अपने यूजर्स के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर लाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर निश्चल शेट्टी ने 1 घंटे पहले एक और ट्वीट किया है। इस ट्वीट में यहाँ पर एक अटैचमेंट आपको दिख रहा होगा। इस अटैचमेंट में क्या लिखा है सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। What would happen to those who earn profit from it? जिन लोगों ने इस ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट अर्न किया है उनका क्या होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अटैचमेंट था इसमें एक ट्रांजेक्शन शो किया जा रहा है जिसमें आप देखेंगे शिब कॉइन को 0.025 के वैल्यू में परचेस किया गया, 9727 रुपीज इसमें इन्वेस्ट किए गए और इसे सेल कर दिया गया 3 रुपीज में, और सेलिंग वैल्यू आप देखेंगे 11,67,320 रुपीज का ये इसका सेलिंग वैल्यू हुआ। मतलब 9,700 का खरीद के 11,67,000 रुपए का कॉइन बेच दिया गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के भीतर। तो इस ट्रांजेक्शन को स्क्रीनशॉट बनाते हुए किसी ने ये क्वेश्चन किया था, तो निश्चल शेट्टी ने इस ट्वीट का भी यहाँ पर आंसर किया है। इन्होंने ट्वीट किया है कि गुड क्वेश्चन, सब लोग लॉस हुआ है इसके ऊपर लोगों का कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि अगर लॉस हुआ है तो डेफिनेटली किसी न किसी ने उस कॉइन को सेल किया है जिसे खरीदने वाले का नुकसान हुआ है लेकिन बेचने वाले का प्रॉफिट जरूर हुआ है। इन्होंने ये भी लिखा है कि सेलर नो नीड टू वरी, सेलर को घबराने की जरूरत नहीं है। सेलर मीन्स जिन लोगों ने प्रॉफिट अर्न कर लिया है इस ट्रांजेक्शन से उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उनके प्रॉफिट में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बट वी वांट टू हेल्प बायर, लेकिन हम बायर की हेल्प करना चाहते हैं जिन्हें इस ट्रांजेक्शन से लॉस हुआ है। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन नाउ। हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इसका कोई ना कोई हम सॉल्यूशन लेके आएंगे जिससे आपका लॉस यहाँ पर रिकवर हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगा, आपके हिसाब से निश्चल शेट्टी को किस तरह से आपका लॉस रिकवर करना चाहिए? क्या उन्हें WazirX टोकन कंपेंसेट करके आपका लॉस रिकवर करना चाहिए, या कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो को अगर हम समराइज करें तो यहाँ पर जितने भी लोगों का लॉस हुआ है, निश्चल शेट्टी जो WazirX के सीईओ है वो उस लॉस को रिकवर करने के लिए उनकी इंटरनल टीम यहाँ पर काम कर रही है, वर्कआउट कर रही है, और बहुत ही जल्द निश्चल शेट्टी अनाउंस करेंगे कि किस तरह से इस लॉस को रिकवर किया जा सकता है।
आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।